सीटेट दिया था आपने, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, अभी जो जस्ट टॉपिक ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, तो आप बताइए इसमें से पहला जो है, पहला ऑप्शन कितने लोग इस पर जो है सेटिस्फाई हैं इस आंसर से। देखिए पहले तो आप ये जानिए अनुत्क्रम क्या होता है। अनुत्क्रम मतलब होता है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो एक बार जो है आगे बढ़ी तो वो जो है पीछे भी लौट सकती हैं। कहने का मतलब एक बार अगर इस दिशा में आप चल रहे हैं तो पीछे भी आ सकते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, वो आगे पीछे दोनों तरफ चलती हैं। और जो इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रम होता है, वो एक बार आगे की तरफ हुआ और फिर पीछे की ओर नहीं होता। जैसे आपका विकास होता है, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी मानसिक चेतना जो है आगे बढ़ रही है, तो क्या ये पीछे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं ना। वो तो अलग बात है कि अगर एक्सीडेंट हो गया या कोई जो है अलग इंसिडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई, तो वो स्थिति अलग होती है कि जो बैक में आप जाते हैं। लेकिन जो नियम है, जो आपका सतत विकास है, उसमें क्या आता है कि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो तो चाहे आपका ये हो गया कि विकास आपका जो है पैरेलल ना होके, एक सीधी रेखा में ना होके क्या ऊपर नीचे होता रहता है। ज़रूरी नहीं है एक समान गति से आपका विकास हो, कभी आप तेज़ी से विकास होता है, कभी धीरे से होता है। आप यही पढ़ रहे हैं ना अवस्थाओं में कि विकास आपका एक समान नहीं होता, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है ना। और अनुत्क्रम क्या होता है, वो स्थिति होती है जिसमें आप एक बार आगे की तरफ बढ़ते हैं और पीछे की तरफ नहीं आते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रम। दूसरा है आपका ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। पहला किसका सही है, दूसरा बताइए। अच्छा ये बता दीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। अच्छा संवेदी गामक क्या है, संवेदी पेशी क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक क्या। इतने कंफ्यूज क्यों हैं, इतने अच्छे से मैंने बताया था आपको। सेकंड स्टेज कब से कब तक का है, 2 से 7 इयर्स का है आपका।
तो बताइए उसकी एक विचार की एक सीमा नहीं है क्या? अहम केंद्रता भी इसके अंतर्गत आता है। एक चीज मैंने आपको कि जब किशोरावस्था बताया था या औपचारिक शिक्षा बताई थी, तो एक पॉइंट मैंने नोट करवाया था कि आपके क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ज्ञात से अज्ञात किस ये किस अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं इस विधि का? वेरी गुड। इसका आप प्रयोग करते हैं, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति कब होती है? बालक में होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। उसमें बालक क्या करता है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। मैंने आपको बताया था कि प्रतीक किशोरावस्था में या फिर आपका जो है ये जो है आपका होता है औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में आप प्रतीकों को प्रतीकों के हिसाब से बता लेते हैं कि आगे क्या है, या प्रतीक देख के आप समस्या समाधान कर लेते हैं। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक विचार का विकास इस अवस्था में होता है। और ये जो है आपके पूर्व संक्रियात्मक का नहीं है, इसलिए ये आपका ये ऑप्शन सही हुआ। ये अनुत्क्रम में क्या है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बालक में आती जाती रहती है। और ध्यान केंद्रित करने वाला जो स्थिति है वो भी जो है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था के अंतर्गत आता है। और अहम केंद्रता भी कहीं ना कहीं इस पहलू में देखा जा सकता है। बालक 2-2.5 साल का हो रहा है, तो 2.5 साल का हो रहा है तो क्या इसमें आत्मकेंद्रता नहीं है? आती है ना 2.5-3 साल तक। लेकिन जो ये प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है वो कब होता है, आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। प्रतीक किस में, 11 से above में होता है ये आपका, 11 से 15 या 11 से above में होता है। कल वाला नोट्स देखिए आप लोग, उसमें आपको 4 अवस्थाएं बताएं, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक, और इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक, है ना। जो संवेदी पेशी आपका वो 0 से 2 ईयर है, और आपका पूर्व संक्रियात्मक जो है आपका 2 से 7 ईयर है, और जो ठोस या फिर आप ठोस या मूर्त, ठोस या मूर्त जो है आपका है 7 से 11। फिर इसके बाद 11 से 15 जो अवस्था आती है वो क्या आती है, औपचारिक या अमूर्त अवस्था। जो अमूर्त अवस्था होती है वही क्या होती है, प्रतीकात्मक विचार का विकास की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बालक प्रतीकों से जो है अनुमान लगा लेता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। जो ज्ञान ज्ञात है उसके हिसाब से वो अज्ञात ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है, उसकी खोज करता है, है ना। और ये अवस्था क्या होती है, समस्या समाधान की भी अवस्था होती है। एक बार आप लोग रिवाइज कर लिया करिए तब जो है आपको समझ में आएगा। डस्टर देखिए, क्वेश्चन 2 देखें, समझ में आया कि नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, बच्चों में प्रतिभा शीलता प्रतिभाशीलता के कारण है ऑप्शन आपका है ये, एक अनुशासित दिनचर्या, दूसरा है आनुवंशिकता,
और वातावरण। तीसरा है आपका एक संसाधन। समृद्ध वातावरण। चौथा है एक सफल माता पिता। देखिए इसने पूछा है बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण है, निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन चूज करना है जो एकदम एप्रोप्रिएट हो, जो एकदम सही हो, सटीक हो, उसी पे आपको क्या करना है, आपको गोला भरना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एक अनुशासित दिनचर्या, मतलब पूरी तरीके से फुली डिसिप्लिन जो है आपका दिनचर्या होना है। दिनचर्या मतलब क्या है, आपके दैनिक जो कार्य हैं वो क्या हो, वेल डिसिप्लिन हो। आपको इस टाइम ये करना है, आपको भोजन इस टाइम करना है, रेस्ट इस टाइम करना है, सारी चीज़ें क्या हो, वेल प्लान्ड हो, पहले से आपका क्या हो, पहले इसके उसकी प्रिपरेशन हो कि नहीं इसी टाइम खाना है तो इसी टाइम खाना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, सारी चीज़ें क्या हो, पहले से तय हो, वो सारी चीज़ें अनुशासित हों। और उसका जैसे भोजन लेना है तो हमें कितना भोजन लेना है ये भी तय होना चाहिए कि हाँ इसमें एक रोटी खाएंगे दोपहर में तो शाम को दो रोटी खाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। तो एक अनुशासित दिनचर्या दूसरा आपका ऑप्शन है। आनुवंशिकता और वातावरण, आप आनुवंशिकता तो समझ ही रहे हैं, पेरेंट्स द्वारा जो गुड़ आपको इनहेरिटेंस में प्राप्त हैं उनसे डायरेक्ट जीन द्वारा जो ट्रांसफ़र हैं वो जो बालक के विकास पर प्रभाव डालता है, आपने पढ़ा है। वातावरण भी उस पर सहायक होता है, वातावरण का भी जो है प्रभाव बालक पे पड़ता है। तीसरा आपका है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। संसाधन समृद्ध वातावरण कहने का मतलब क्या, एक उचित व्यवस्था जहाँ बालक को शिक्षा दी जाती है। एक उचित व्यवस्था मतलब बैठने की, पढ़ने की, प्रकाश की, हवा की, पानी की, मतलब पूरा जो है उसको संसाधन जितने भी हो मौजूद होने चाहिए। तीसरा चौथा आपका है एक सफल माता पिता, या तो माता पिता क्या हों, बहुत ही सफल हो। सफल कहने का मतलब वो अपने जीवन में उच्च उत्तोत्तर जो है समृद्धि प्राप्त हों या फिर वेल एजुकेटेड हों। तो बताइए आपका जो है और पहला ऑप्शन किसका है, पहला चौथा तीसरा नहीं क्या सही है, तीसरा नहीं सही है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, दूसरा नहीं सही है। तो यही तो सीटेट में क्या क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन होते होंगे कि पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लेते हैं, नहीं तो सारे जो है आपके क्या उस पे होते हैं, विश्लेषण पे होते हैं, एनालिसिस पे होते हैं। क्या सही है, सोचिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण है, अरे जब बच्चा पूरी तरीके से अनुशासित रहेगा तो उसमें प्रतिभा का विकास कहाँ से होगा, टैलेंट उसमें कहाँ से दिखेगा, वो पूरी चीज़ें क्या है एकदम नाप तौल के कर रहा है तो वो कहाँ से अलग से सोचेगा, बताइए। सफल माता पिता, सफल माता पिता की वजह से बच्चा टैलेंटेड होता है, आपने देखा है लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का सिद्धांत, उसमें क्या आपने पढ़ा है कि एक विद्वान माता पिता का पुत्र भी मूर्ख पैदा हो सकता है। तो ये आपका कहाँ से चौथा सही हो गया, सफल माता पिता भले हुए बालक थोड़ी सफल है, अब किसी के माँ बाप टीचर है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा टीचर ही हो। संसाधन समृद्ध वातावरण आपने बच्चे को दे दिया, जैसा आज के वातावरण में सारी चीज़ें बच्चे को क्या है, बैग है, बुक्स है, पर एकदम बच्चे को जो है मच्छर ना काटे, कोई डिस्टर्ब ना करे, अकेले कमरा दे दिया गया, हर चीज़ लाइट प्रकाश और पंखा सब दे दिया गया, तो क्या वो पढ़ाई करेगा, ज़्यादा सुविधा है भी अच्छा नहीं होता, बताइए सोचिए। संसाधन समृद्ध जो है वातावरण दे के क्या आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसका टैलेंट डेवलप करा सकते हैं,
सोचिए, आप सोच के बताइए। प्रेजेंट टाइम में जितने भी कह रहे हैं, बहुत कम मिनिमम बच्चे होंगे जिन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, है ना। बाकी सारे बच्चों को ये सारी सुविधाएं हैं, बुक्स हैं, उनके कैरिकुलम है, इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल है जिनको पढ़ना है, और सुविधा में क्या उनको सेपरेट रूम भी दिया जा रहा है, अलग से उनको पढ़ने के लिए दूर भेजा जा रहा है, हर चीज़ किया जा रहा है ना, मुमकिन प्रयास, ताकि उनको एक उचित वातावरण मिल सके। बताइए सोच के क्या होगा इसमें क्वेश्चन। चौथा और आपका आप लोग गलत सोच रहे हैं। बच्चों में प्रतिभाशीलता का कारण क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण है। यही तो आप पढ़ रहे, बाल विकास में इसी दोनों का प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर बालक पे पड़ता है तो आनुवंशिकता और वातावरण पे पड़ता है, है ना। प्रतिभाशीलता वही टैलेंट आपका, अनुवंशिकता जो होता है, वातावरण का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। माता पिता से जो उसके गुण जो है उनको मिला है वो बदलेगा, इसीलिए ये दोनों चीजें आपके एक साथ दिया गया है। नहीं तो अगर ऐसा पूछता तो क्या आनुवंशिकता अलग देता और वातावरण अलग देता? आनुवंशिकता आ गया एक सफल माता पिता, और तीसरा ऑप्शन आपका एक संसाधन समृद्ध वातावरण, वातावरण के अंतर्गत आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ? दूसरा सही हुआ। बात समझ में आई कि इस आंसर के अंतर्गत आपके दो आंसर जो हैं सम्मिलित हो रहे हैं। आनुवंशिकता क्या है? एक सफल माता पिता, और फिर एक संसाधन समृद्ध वातावरण भी वातावरण के अंतर्गत आता है। समझ गए? और पुरानी चीजें पढ़ के आया करिए। क्या हुआ? हाँ, तीनों ऑप्शन आपके एक ही आंसर में है। जो देखिए सबसे जो सटीक है उस पे जाना होता है। इसमें क्या आप करते हैं? चिंतन का प्रयोग करते हैं, जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जिसे आप क्या करते हैं? सृजनात्मकता। अच्छा चलिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये भी, आपका सीटेट का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला है आपका उत्तेजना, दूसरा ऑप्शन है आपका डर, तीसरा ऑप्शन है स्मृति, और चौथा ऑप्शन है आपका ध्यान। देखिए आपको मैंने चारों चीजें बताई हैं, उत्तेजना, डर, स्मृति, ध्यान। आपको बताना है कि कौन सा एक संवेग है इन चारों में से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, डर, स्मृति और ध्यान। डर क्यों संवेग है? सही बताया आपने। डर क्या है इसमें? उत्तेजना क्या होती है? आदमी किसी कार्य करने के लिए उत्साहित होता है, उत्तेजित होता है, वो आपका संवेग नहीं होता। वो क्या होता है? आप संवेग क्या होता है? जो क्षणिक होते हैं, तुरंत आते हैं। आपका क्या होता है? सेंसेशन होता है। संवेग मतलब आपका इमोशन या सेंसेशन होता है जो आपकी भावनाओं से जुड़े होते हैं, है ना। स्मृति आपकी भावनाओं से बिल्कुल नहीं जुड़ी है। ध्यान भी आप किसी चीज़ पे केंद्रित करते हैं, वो भी आपके भावनाओं से नहीं है। उत्तेजना भी आपकी भावना नहीं है। भावना क्या है आपका? डर है। क्लियर? ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके आए थे। ये आपका यही सीटेट 2018 का है। कितने लोगों ने दिया था इसको?
अच्छा, क्या हुआ था? लखनऊ से? लखनऊ सेंटर गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ दिया आपने? अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए और आपका है। चलिए ये तो आप लोग कर लेंगे। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा लिखेंगे। चलिए अच्छा, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण हाँ, ये आपका क्वेश्चन था कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा है, कौन सा है? अब देखिए स्पष्टीकरण भी उसने दे रखा है क्वेश्चन में। पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है ना। ये उसने बताया कि एक बच्चा बताता है और उसमें से उसने पुटअप किया कि निम्न से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा है, और स्पष्टीकरण भी उसका क्या है, ऑप्शन है। सबसे पहला है बच्चे का परिवार, प्रेरक वातावरण, प्रदान करता है। ये आपका पहला ऑप्शन है, बच्चे का परिवार प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है वातावरण प्रदान नहीं करता है, लिखेगा प्रदान नहीं करता है। दूसरा आपका है बच्चे की दुनिया बहुत सीमित है, तीसरा आपका ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर है, और आपका चौथा उत्तर स्पष्टीकरण है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा।
अब बताइए आपका प्रश्न ये है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चा आपको क्या बताता है कि एक दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, और प्रश्न पूछता है कि निम्न से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण कौन सा है। पहला आपका स्पष्टीकरण है, बच्चे का परिवार प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। दूसरा है, बच्चे की दुनिया बहुत ही सीमित है। तीसरा है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर है। और चौथा आपका है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बताइए, देखिए इसमें सीधा सीधा दिया है कि बच्चे का अपना कॉन्सेप्ट होता है, बच्चा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताता है। तो इसमें ये आपका आंसर 3 सही होगा, उसका कॉन्सेप्ट है कि एक जो है दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध दिया जाता है, है ना। लिख लीजिए, अच्छा हो गया क्या। चौथा है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। 3 साल का बच्चा गायों को कभी नहीं देखेगा। भारत में जब बच्चा है तो वो जो है, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, जब बच्चा स्कूल में जाता है उसके पहले ही, ये जो 3 साल का बच्चा उसके पहले उसको बहुत सारी चीज़ें बता देता है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, सारी चीज़ों कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, इन सब का जो है परिचय पहले से उनके घर वाले दे देते हैं, है ना। तो 3 साल के बच्चे को तो इतना तो समझ हो ही जाता है कि कौन सा कुत्ता है, कौन सा बिल्ली है। इसमें क्या करता है, बालक की समझ थोड़ा सा डेवलप हो चुकी होती है, है ना। बहुत इसमें रफ राइटिंग है, कई सारे क्वेश्चन एक ही में मिक्स हैं। क्या हुआ, हाँ, चूंकि बच्चा अभी तक क्या करता था, सिर्फ रिफ्लेक्स करता था, प्रदर्शन करता था, लेकिन अब उसका समझ क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जो है अपना संप्रत्यय जो उसको बताया जाता है उसके आधार पे थोड़ा सा चीज़ों को क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका क्या करता है, निरीक्षण करता है, और उसके द्वारा जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसकी वो क्या करता है, स्मृति बनाता है, उसी जिसे आप क्या कहते हैं, स्कीमा। बताया था ना मैंने आपको, एक आप लिखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है आपका प्राचीन अनुबंधन, तीसरा है समीपस्थ अनुबंधन, चौथा है आपका चिन्ह अनुबंधन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी, दूसरा है आपका क्लासिकल कंडीशन, तीसरा आपका है कॉन्टिगुअस कंडीशन, और चौथा आपका है ट्रेस कंडीशन। बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, आपको बताया था मैंने इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन क्यों है। बताइए, सोचिए, प्राचीन अनुबंधन किसकी थ्योरी को कहते हैं,
क्लासिकल थ्योरी किसके थ्योरी को बोलते हैं? थॉर्नडाइक को आपने पढ़ा है, पावलोव को पढ़ा है, किसकी थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं? बताइए किसकी थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं? ये आपका प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशन जो है पावलोव के द्वारा दिया गया है, और समीपस्थ अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है? शास्त्री, उसी को क्लासिकल या प्राचीन या शास्त्री, तीनों जो है पावलोव के द्वारा दिया गया है। इसीलिए एक थ्योरी को मैं जो है, जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने बहुत सारे आपको नाम दे दिए थे कि किसी भी नाम से ये पूछे जा सकते हैं। समीपस्थ का जो सिद्धांत है या समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? गूथरी ने। और ये जो आपका नैमित्तिक अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर द्वारा। इन्होंने ही तो बताया था कि जब चूहा जो है क्रिया करेगा, इधर उधर करेगा, तो क्या उसका पैर होगा वो किस पे जाएगा? लीवर पे। और लीवर जब खट्टे से आवाज़ करेगा, उसी आवाज़ से ये क्या करेगा, उसे ये अनुभूति होगी कि अब भोजन दिया जाएगा, है ना। इसीलिए उनकी थ्योरी को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन कहते हैं। और स्किनर को क्या कहते हैं? हाँ, कंडीशन थ्योरी के जनक कहते हैं। इसके पहले भी कंडीशन पावलोव ने लगाया था, लेकिन स्किनर को जो है कंडीशन थ्योरी के जनक कहे जाते हैं। क्लियर? अब आज के लिए बस इतना करिए।